अगर तुम्हें एक्शन और एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मगर उससे पहले हेलो भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है डीडी और आप देख रहे हैं डीडी एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 4। तो बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है, मूवी के शुरू में हमें जॉन विक को दिखाया जाता है जॉन विक एक डेजर्ट में, जहाँ वो एल्डर को मार देता है। जब जॉन विक एल्डर को मार देता है तो उसकी वजह से हाई टेबल जॉन विक से रिवेंज लेने के चक्कर में न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को उड़ा देते हैं। उनको लगता है ये सब कुछ विंस्टन की वजह से हो रहा है, अगर विंस्टन जॉन विक को उस टाइम पे मार देता तो ऐसा नहीं होता, और वो चैरन को भी मार देता। हाई टेबल का सीनियर मेंबर विंस्टन डेक गोमरक कैसे मुश्किल नाम है। फिर हाई टेबल एक असैसिन हायर करते हैं जो शैन है, वो जॉन विक का पुराना दोस्त है लेकिन वो एक खंदा है। वो उसको मना लेते हैं, कहता है अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए मान जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जॉन विक को मार दे। और जॉन विक रेफ्यूज है ओसाका कॉन्टिनेंट में जो जापान में, और जो उसका मैनेजर है शिमोजी कोजी वो जॉन विक का पुराना दोस्त है। और वहीं दी गोमरेट ने असैसिन भेज देता है जॉन विक को मारने के लिए, और फिर वहाँ पे एक जबरदस्त सीन की बैटल होती है, मजा आ जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन उसे फायरिंग करना, यार वो सीन देख के ऐसा मजा आ जाता है, पता चलता है कि हम देख रहे हैं जॉन विक मूवी, कसम से पैसा वसूल है। जॉन विक की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, अगर तुम्हें खुद समझना है तो मूवी देख लो जाके। तुम जॉन विक की स्टोरी कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि जॉन विक को कुछ टास्क मिले, जब वो टास्क पूरे कर लेगा तो उसको उसकी आज़ादी मिल जाएगी, और जॉन विक एक टास्क कंप्लीट करेगा फिर उससे उसको उससे ज़्यादा टफ टास्क मिलेगा, वो कंप्लीट करेगा फिर उससे ज़्यादा उसको टफ मिलेगा। ऐसे ऐसे करते वो एंड में वो पहुंच जाता है अपने आखिरी मंजिल पे, और वहां पे उसको बस कुछ ऐसी फाइट होगी काउबॉय स्टाइल में, हाई टेबल के पुराने तरीके से। इस चक्कर में हमें ऐसे ऐसे बेहतरीन मूवी के सीन दिखे हैं जहाँ मूवी समझ लो एक्शन ही एक्शन, गाड़ी में एक्शन, बाइक पे एक्शन, रोड पे एक्शन, और सबसे माइंड ब्लोइंग वाला सीन वो जो जहाँ वो रोड के बीच में लड़ रहे होते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जॉन विक बीच में खड़ा हुआ लड़ रहे हैं, धमाल धूम गोलियाँ चल रही हैं, हाथों से चल लड़ रहे हैं सब जगह। यार वो एक्शन सीन मुझे अभी भी याद है, कैसे गाड़ियाँ आ रही और जॉन विक लड़े पे लड़े, यार वो बेहतरीन सीन था वो भी। तो जो भी जितने भी मूवी में सीन है सारे बेहतरीन है। और बात करें डायरेक्टर ने, भाई डायरेक्टर ने कमाल कर दिया, क्या उसने एक्शन सीन बनाए यार, मैं दीवाना हूँ। पहले लोगों की जॉन विक मूवीज फ्रेंचाइज से ऐसी डिमांड थी कि मूवी में स्टोरी होती नहीं है, खाली एक्शन 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 मूवी होती, लेकिन अब नहीं है, मूवी में स्टोरी है, तुम्हें जितने भी करेक्टर है उनका एक पर्पस लगता है मूवी में। हाँ सबको बैक स्टोरी मिली गई है, और मूवी में स्टोरी भी बेहतरीन है। भाई मुझे तो मूवी में स्टोरी भी बेहतरीन लगी, मूवी का एक्शन भी बेहतरीन है, मूवी के सेट पे चार एक एक सेट, पेरिस वाला सीन जहाँ पे सामने आईफेल टावर खड़ा हुआ जॉन विक उसके साथ खड़ा हुआ, यार माँ कसम मजा आ गया। और मूवी में कलर भी बेहतरीन यूज करे, क्या मजा आ गया। और जो वो चर्च पे खड़े होते हैं यार, वाला सीन भी कहाँ कैसा बेहतरीन नजर आता है, ऊपर से सूरज निकल रहा है, जॉन खड़ा हुआ है वहाँ पे, केन खड़ा हुआ है, विंस्टन खड़ा हुआ है, वो सीन यार ब्यूटीफुल है, मजा आ गया, दिल चाह रहा है उस सीन को मैं वॉलपेपर बना दूँ अपना। ओवरऑल बात करें मूवी कैसी है, मूवी मुझे कैसी लगी, मूवी बेहतरीन, मूवी को मूवी अगर मेरे को कोई बोलेगा इस मूवी को तुम कितने रेटिंग दोगे, 10/9, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई ये मूवी, दिल तो चाह रहा है इस मूवी को देखते रहो। और हाँ मूवी 3 घंटे की है लेकिन फिर भी नहीं लगता कि मूवी 3 घंटे की है, मूवी में इतना एक्शन है, मूवी देख के मजा आ जाता है। और जो बोलता है ये मूवी लंबी है तो उसको मेरा एक ही जवाब है, जब मैं मूवी थिएटर में देख रहा था जब इंटरवल आया था मैं गुस्सा आ गया था, मुझे भैंस मूवी क्यों रोकी, मेरे को और देखना है, लेकिन यार मजा आ गया। मूवी के 3 घंटे पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाते हैं, मूवी परफेक्ट है लेकिन इसके कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे जॉन विक लड़ रहा होता तो पीछे ऐसा लगता है कि ये बंदा फिर खड़ा हो रहा है दोबारा गिरा है, लेकिन हम मैं उसका अंदाज कर सकता हूँ क्योंकि मूवी बेहतरीन है, मूवी मेरे को मजा देती है। बात कर लेते हैं ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं, अगर तुम एक्शन एडवेंचर और मसाला मूवी देखना चाहते हो तो तुम ये मूवी देख सकते हो, तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा। अगर तुम चाहते हो तो फैमिली के साथ देखो, फ्रेंड के साथ देखो, जिसके साथ देखना देखो, ये मूवी परफेक्ट है। मैं इस मूवी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, भाई बनाने वाले ने कमाल कर दिया, और मूवी के एक्टर ने भाई क्या कमाल कर दिया, क्या नॉलेज ने मेरी दिल ले। और जो वो अंधा केन था यार, उस एक्टर ने भी कमाल कर दिया, तुम डेयर डेविल को भूल जाओगे यार, उस बंदे ने कमाल कर दिया था, मतलब डेयर डेविल ही ऊपर है ना तो वो उससे भी ऊपर है, उस बंदे ने कमाल कर दिया यार, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो चाउमीन खा रहा है जो भी खा रहा है, नूडल पीछे घने चल रही है वो बीच में बैठ के खा रहा है यार, उस बंदे ने कमाल कर दिया। उस बंदे के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ अगर तुमने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, और हाँ चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।